डियर एस्पायरेंट अस्सलाम वालेकुम। ई सीरीज प्रिपरेशन में हम आपको वेलकम करते हैं। डियर एस्पायरेंट, ये वीडियो एजुकेटर, लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अलावा कंप्यूटर के मुतल्लिक तमाम इम्तिहान की तैयारी और इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इस वीडियो में सबका इम्तिहानी पर्चा जात से सवाल इकट्ठे किए गए हैं। पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 19 से 42 तक अहम सवाल हम इस वीडियो में बताएंगे, जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा अहम है। क्वेश्चन नंबर 19, द मेमोरी साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड इन मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ मेमोरी बस इज मेनली यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। प्रोसेसर और मेमोरी के लिए जो है हम मेमोरी बस को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एंड गेट इज ए इक्विवेलेंट टू ए सीरीज स्विचिंग सर्किट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेली प्रोसेसिंग ऑफ करेक्शन टू कस्टमर अकाउंट बेस्ट एग्जांपल टू द प्रोसेसिंग मोड इज बैच प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज डायरेक्टली इनपुट प्रिंटर टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, OCR। OCR स्टैंड फॉर होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लोकेट डाटा आइटम फॉर स्टोरेज वी यूज फेच। द एनालॉग कंप्यूटर मेजर डायमेंशन एंड इट्स सर्किट यूज द डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। द डिजिटल कंप्यूटर काउंट यूनिट्स एंड इट्स सर्किट यूज बोलियन अलजेब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा फ्रॉम वेरियस यूजर डू नॉट रिक्वायर हेडर। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा में हेडर की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 27 है, द जनरल पर्पस कंप्यूटर आर दोज डेट कैन बी अडोप्टेड टू काउंटलेस यूजेज सिंपली बाय चेंजिंग इट्स प्रोग्राम। प्रोग्राम चेंज करने से हम उसमें चेंज यूजेज सिंपली चेंज हो सकता है उसमें। कंप्यूटर में जनरल पर्पज कंप्यूटर जो होते हैं, ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो काउंटलेस यूजेज सिंपली चेंजिंग बाय इट्स प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 28 है, वट इज़ द नेम ऑफ द विजिबल सिल्वर रेक्टेंगल विच इज सेपरेट द टेक अप पोर्शन ऑफ द मैग्नेटिक टेप फ्राम द डाटा रिकॉर्डिंग पोर्शन। इसको लोड मार्कर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ पार्ट लोकेटेड इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेट स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन इज नाउन एज कोर मेमोरी। CPU के अंदर जो है डाटा को स्टोर करता है और इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करता है, उसे कोर मेमोरी का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ सॉफ्टवेयर पैकेज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा अरेंज्ड इन ए अरे इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच इज सेकेंडरी मेमोरी। इसमें CPU जो है वो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल है, और रैम रोम जो है ये प्राइमरी मेमोरी डिवाइस स्टोरेज की एग्जांपल हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ स्टोरेज डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल टू मेन स्टोरेज इज़ नाउन एज बैकिंग स्टोरेज के नाम से हम उसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन PC पर्सनल कंप्यूटर हाउ मच मेमोरी इज़ अवेलेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए 640 KB की मेमोरी जो है वो अवेलेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, फॉर ए मेमोरी सिस्टम द साइकिल टाइम इज़ लॉन्गर देन एक्सेस टाइम। मेमोरी सिस्टम में साइकिल टाइम जो है वो बड़ा होता है एक्सेस टाइम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 35 है, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड कंटेन विद इन ए ब्लॉक ऑफ डाटा ऑन मैग्नेटिक टेप इज़ डिफाइंड बाय ब्लॉकिंग फैक्टर। किसके ज़रिए होता है? ब्लॉकिंग फैक्टर के ज़रिए हो रहा होता है। डियर एस्पिरेंट, क्वेश्चन नंबर 36 है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 13.54 इज अ करेक्ट आंसर इज ए 1011.1011। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट प्रोसेसर प्रिपेयर द मैग्नेटिक सरफेस ऑफ ए डिस्क बाय क्रिएटिंग कंकरेंट सर्कल कॉल्ड ट्रैक अराउंड द डिस्क
फॉर्मेटिंग, अराउंड द डिस्क फॉर्मेटिंग, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एक्रोनम VGA स्टैंड फॉर? VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक अरे, VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव शुड नेवर बी टच्ड? ओवल स्लॉट को टच नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिसमें पूछा जा रहा है द स्टोरेज लोकेशन इन इंटरनल स्टोरेज ऑफ CPU इज कॉल्ड एड्रेसेस कहलाता है। इंटरनल स्टोरेज के CPU के अंदर जो एड्रेसेस होते हैं, लोकेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं? एड्रेसेस बोलते हैं, जो स्टोरेज लोकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच इज़ यूज टू प्रोवाइड द साइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम फॉर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड MIS, क्या कहलाता है? MIS। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट डिस्क ड्राइव हैविंग ए सिंगल रीड राइट हेडर फॉर ईच डिस्क्रिप्टिव सरफेस, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मल्टीपल हेड ईच ऑन ईच मूवेबल एक्सेस आर्म इज कॉल्ड रिड्यूस सीक टाइम, क्या कहलाता है? रिड्यूस सीक टाइम कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 43 से 78 तक बताएंगे, जो कि इस चैनल में पास पेपर की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जज़ाकअल्लाह।